ख्वाबों का शहर कहे जाने वाले लखनऊ की ऐतिहासिक इमारतों में शुमार बड़ा इमाम बाड़ा को भूल भुलैया के नाम से भी जानते हैं। इमाम बाड़ा ऐतिहासिक द्वार का घर है जो ऐसी अद्भुत वास्तुकला से परिपूर्ण है जिसे देखकर आधुनिक वास्तुकार भी हैरत में पड़ जाते हैं। इसका निर्माण नवाब आसफुद्दौला ने 1784 में कराया था। इसके संकल्पकार थे किफायतुल्लाह, जो ताजमहल के वास्तुकार के निकटतम संबंधी के रूप में जाने जाते थे। नवाब द्वारा अकाल राहत कार्यक्रम में निर्मित ये विशाल भव्य संरचना है जिसे असफाई इमामबाड़ा भी कहते हैं। बड़ा इमामबाड़ा एक रोचक भवन है जो मस्जिद है ना मकबरा। कक्षों के निर्माण और वोल्ट के उपयोग से इसमें सशक्त इस्लामी प्रभाव दिखता है। इमामबाड़ा वास्तव में एक विहंगम आंगन के बाद बना हुआ एक विशाल हॉल है जहाँ दो विशाल तिहरे आर्च वाले रास्तों से पहुंचा जाता है। इमाम बाड़े का केंद्रीय कक्ष करीब 50 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा है। इमामबाड़े में तीन विशाल कक्ष हैं, जिसकी दीवारों के बीच लंबे गलियारे हैं जो लगभग 20 फीट चौड़े हैं। यही घनी और गहरी संरचना भूलभुलैया कहलाती है। असल में यहाँ 1000 से भी अधिक छोटे रास्ते हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं, पर ताज्जुब करने वाली बात यह है कि ये सभी अलग अलग रास्ते पर निकलते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जिनके सिरे बंद हैं। जानकारों की माने तो भूलभुलैया के कुछ रास्ते इतने खतरनाक थे कि इसमें लोग फंसकर अपनी जान भी गंवा चुके हैं। कहा जाता है कि भूलभुलैया भूमिगत सुरंगों का एक ऐसा जाल है जो इमामबाड़े को दिल्ली, कोलकाता और फैजाबाद से जोड़ता है, जिसे लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बंद कर दिया गया है। नजरिया पिया की नजर।